क्या पढ़ना स्टार्ट हो चुका है। उतरवाते हैं और देखते हैं दूसरी गाड़ी आ रही है। दूसरा पिकअप आ चुका है और हम निकल चुके हैं अपने गाड़ी लोड करने के लिए। देख सकते हैं पहुँचते हैं और करवाते हैं गाड़ी को लोड। जय श्री राम दोस्तों, आज तारीख है 17/1/2024, दिन है बुधवार और आज का ब्लॉग यही स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, हम हो चुके हैं रेडी। चलते हैं नीचे, करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद करेंगे नाश्ता। पूजा पाठ हो चुकी है और आज का है हमारा नाश्ता। नाश्ते में आज कुछ खास नहीं है, एक सब्जी है और ठंडा दूध। आज का नाश्ता यही है, करते हैं। गाड़ी पे आ चुके हैं और पिकअप भी हमारा आ चुका है। हमें जाना है कैलाश नगर से वसुंधरा वैशाली और जा रहे हैं लोड करने के लिए। देख सकते हैं धर्मपुरा रोड है ये और हमें कैलाश नगर धर्मपुरा से लोड करनी है गाड़ी और चलते हैं आगे। माल लोड करा के निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं आपका गीता घाट के पास और यही रोड हमें सीधा निकलना है नाइडा लिंक रोड होते हुए। देख सकते हैं आप लोग अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग आगे तुम्हारे गले हम सीधा मेरठ रोड पहुंच जाएंगे, दिल्ली मेरठ रोड। दिल्ली मेरठ रोड पे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस रास्ते से मेरठ की दूरी मात्र 1 घंटे की ज़्यादा नहीं होगा, 1 घंटा मेरठ पहुँचने में लगेगा। पढ़ना स्टार्ट हो चुका है। उतरवाते हैं और देखते हैं दूसरी गाड़ी क्या आ रही है। माल उतार दिया है और अब खा लेते हैं खाना। गाड़ी साइड में लगा दिया और खाना खाते हैं, देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है दूसरी। चलते हैं फिर वहीं, फिर पहले पहले खाते हैं खाना। है आलू मटर गोभी की सब्जी और अपना सलाद आ चुका है और ये रखी है अपनी रोटी और है रायता। ये अपना रायता खाते हैं और पीते हैं। ये अपनी रोटी करते हैं, खाना स्टार्ट। दूसरा पिकअप आ चुका है और हम निकल चुके हैं अपने गाड़ी लोड करने के लिए। देख सकते हैं पहुँचते हैं और करवाते हैं गाड़ी को लोड। मोहन नगर वाला फ्लाई ओवर है जो BFC का मोहन नगर के लिए निकलता है आगे जाके। गाड़ी हो गई है लोड, देख सकते हैं गाड़ी सामान है, लोड कर लिया हमने और निकलना है मंदावली के लिए। निकलते हैं कलोनी में, घुस से बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ऐसी ऐसी कलोनियों में एक गाड़ी मिला लेते हैं, समझ जाओ आप।
इस भी काम होते हैं। एक बार यही है कि काम तो धंधा करना ही है और गाड़ियाँ लेके जाते हैं, क्या करें। ये भोपुरा का एरिया है पूरा गाजियाबाद। निकल चुके हैं शालीमार गार्डन से भी, शालीमार गार्डन पहुँच गए थे और शालीमार गार्डन हमने पार कर दिया है और अब पहुँच गए हैं इस टोल के पास। टोल से बाहर निकलेंगे, पूरी अंडर पास आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये सीधा आपका गाजीपुर के लिए जाता है रोड, सीधा गाजीपुर ले जाता है। आनंद विहार आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ भी कॉलोनी के अंदर ही फेड़ दी है गाड़ी। और ये घर के सामान वाला काम बड़ा गड़बड़ होता है, और बुकिंग हम जब उठा लेते हैं तो वो कैंसिल नहीं होती है, आईडी सस्पेंड होती है, चक्कर में जाना ही पड़ता है। पहुँचते हैं और उतरवाते हैं सामान, फिर निकलते हैं घर के लिए। माल उतार के निकल गए थे और गीता कॉलोनी पहुंच चुके हैं। पे आ चुके हैं और हमारा नाश्ता आ चुका है, देख सकते हैं आप। हमारा नाश्ते में है आज आपका जीरा, जिसे हम पापे कहते हैं, फैन। यही आज का हमारा नाश्ता, और चाय हमारी आ चुकी है, यही करेंगे नाश्ता हम। फैन निकाल दिया इसका रस। तो इसको फिलिप और ये ब्लॉक करते हैं, मुझे नेक्स्ट ब्लॉक में। तब फिलिस्ट जय हिंद।